बॉलीवुड में जब भी होली की बात की जाती है तो सबसे पहले याद आती है आर के स्टूडियो की होली। आर के स्टूडियो की होली सबसे प्रसिद्ध होली होती थी। एक समय था जब होली के दिन इंडस्ट्री के तमाम बड़े से लेकर छोटे स्टार्स एकजुट होकर यहाँ होली खेलते थे। बहुत खुशनुमा सा माहौल हुआ करता था। आर के स्टूडियो में होली की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर ने की थी। यहाँ होली का जश्न तब तक चलता रहा जब तक राज कपूर थे। आर के स्टूडियो में होली मनाने के लिए सभी लोग साल भर इंतजार करते थे। इस दिन सभी सितारे सतरंगी रंगों में रंगे खूब मस्ती करते थे। जिस भी कलाकार को आर के स्टूडियो की होली में जाने का मौका मिलता था वो खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता था। दर्शकों में भी आर के स्टूडियो की होली देखने का एक अलग ही उल्लास नजर आता था। सिर्फ होली ही एक ऐसा दिन था जब बॉलीवुड के सभी स्टार्स साथ होते थे। नरगिस, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जीतेंद्र, दारा सिंह, राकेश रोशन, प्राण, जीना अमान, मिथुन, राजेश खन्ना, प्रेम नाथ, अमिताभ, अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, रेखा जैसे बड़े स्टार्स हर बार ही आर के स्टूडियो की होली में शामिल होते थे। लेकिन हिंदी सिनेमा एक ऐसा बड़ा स्टार था जो कभी भी इस होली में शामिल नहीं होता था। हम बात कर रहे हैं देवानंद की। देवानंद को कोई नाराजगी नहीं थी बल्कि उन्हें होली खेलना पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए वो यहाँ नहीं आते थे। राज कपूर के जाने के बाद से ही आरके स्टूडियो की होली खत्म हो गई।